पेंडेमिक आया बहुत बड़ा कोरोना का, तो 2 महीना तो एमएनसीज को ये समझ में नहीं आया हमें करना क्या है। जी और उस दरमियान हमारा हाईएस्ट टर्नओवर था पिछले 10 इयर्स का, हाईएस्ट टर्नओवर हमने किया। और जी लोगों को बिना रेट बढ़ाए हमने अपने अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीजें उपलब्ध करवाई। आज पतंजलि और रुचि से बोले तो करीब 25,000 करोड़ की दोनों कंपनियां खड़ी कर दी है। जो और एक पतंजलि एक नया ब्रांड क्रिएट किया, और एक एनपीए हुई कंपनी के अंदर, अभी मैं मतलब जो है ज्यादा तो नहीं बोल सकता क्योंकि लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है, लेकिन यदि एनपीए जब से एक वर्ड आया है, टर्मोलॉजी आई है इकोनॉमिक्स में, उसमें सबसे अच्छी कोई कंपनी मूव हुई ही है तो वो है रुचि सोया। पुराने जमाने की बात हो गई जब लोग ब्रांड को उसकी मदर कंपनी के साथ जोड़ते नहीं थे। जी आज जैसे ही जो है मैगी के ऊपर बात आई तो नेस्ले का नाम सारे मीडिया में 1 मिनट में उछल गया। जी तो आप पहले क्या होता था, लोग चालाक ये करते थे कि भाई एक ब्रांड के ऊपर कोई क्वालिटी को लेकर के प्रॉब्लम आई, कोई कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, कोई दूसरी चीजें आ गई, तो बाकी ब्रांड बचे रहेंगे। जी अब कोई बच नहीं सकता, ऊपर वाला तो देख ही रहा है सारा मीडिया। मीडिया इतना, और मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी मैनेज भी कर लो आप, उनको बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट का आप बजट देते हो तो काफी आपके कंट्रोल में रहते होंगे। जी लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल कर लोगे, 1 मिनट में धजिया उड़ जाएगी आपकी। दूसरी बात देखिए, हमने भी पतंजलि के अलावा 4-5 बड़े ब्रांड हमने जो है स्टेब्लिश किए हैं। दंतकांति हमारा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, यशकांति हमारा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, हमारा जो है पावर बीटा एक इंडिविजुअल ब्रांड है, हमने जो है अपना ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर का हमने एक इंडिविजुअल ब्रांड क्रिएट किया, हमने गाय के मूत्र से बना हुआ फ्लोर क्लीनर गोनाइल जो है इंडिविजुअल ब्रांड के रूप में हमने क्रिएट कर दिया है। ऐसे मतलब आप देखेंगे तो ऐसे हमने सब ब्रांड्स भी अपने करीब 8-10 बड़े ब्रांड हमने क्रिएट कर दिए। और इन इन फ्यूचर जो है अभी क्योंकि अब तो पतंजलि के साथ न्यूट्रिला और बाकी भी बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, तो हमारे इंडिविजुअल ब्रांड भी हैं और सब ब्रांड्स भी हैं। और अम्ब्रेला ब्रांड में अब दरअसल क्या है, थॉट प्रोसेस, एक स्टेब्लिश्ड जो थॉट प्रोसेस होता है उससे हट करके मैंने काम किया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एक ब्रांड के अंदर फूड और नॉन फूड ये कोई एक कंपनी कर नहीं सकी। पूरे वर्ल्ड में यूनिलीवर जो है फूड की कंपनी बहुत बड़ी मानी जाती है, हिंदुस्तान में उसका फूड फेल हो गया, जी यहाँ पर उसको कॉस्मेटिक कंपनी मानते हैं। यूनिलीवर को हिंदुस्तान में कोई बात करे तो बोलो वो क्रीम पाउडर बनाने वाली कंपनी, फूड जी कंपनी के नाम पर खाली उसका एक किसान नाम की चटनी आती है, और वो भी जो है अभी थोड़े दिन और लग जाओ इस चटनी की भी मैं चटनी बना दूंगा। तो मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि जो है चीजों को करने के लिए, जैसे मुझसे कहा कि एक ब्रांड के नीचे फूड नॉन फूड नहीं आ सकता, आज पतंजलि में एक ब्रांड के नीचे फूड और नॉन फूड बराबर है। यद्यपि जी हमारा 60-40 का रेशियो चलता है, लेकिन गाय का घी, बोले पतंजलि गाय का घी, ये गाय के घी का ब्रांड हमने क्रिएट किया। गाय का जी घी कोई भी बोलता है तो पतंजलि आ जाता है लोगों के दिमाग में, और जी प्योरिटी के साथ किया, एडल्टेशन के खिलाफ लड़ कर के किया, और किसी तरह की आम लोक भाषा में बोले बिना चौचलेबाजी के, बिना किसी ड्रामा के। तो चीजों को क्रिएट करने के लिए मुझसे लोगों ने कहा कि 3-4 तरह की बातें मैंने शुरू में, काफी जो एजेंसियां हैं जो सलाह देती हैं तो उनको बात की, तो उन्होंने मेरे से कहा कि पतंजलि से बहुत बड़ा नाम है स्वामी रामदेव, जिसको 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में पहचानते हैं गांव गांव तक, तो आपको पतंजलि नाम ब्रांड रखेंगे तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने दो दो साल के अंदर ये कर लिया था कि जितने लोग स्वामी रामदेव को जानते थे उतने लोग पतंजलि को जानने लग गए। जी तो बिल्कुल चीजों को करने के लिए आपको पॉजिटिव माइंड सेट से काम करना पड़ता है, और कंटिन्यूटी में निरंतरता एक बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं कहता हूँ सातत्य ही सफलता है, कंटिन्यूटी इज सक्सेस। तो आप लगातार लगे रहते हैं, कोई कोई कंप्रोमाइज नहीं,
अपने क्वालिटी के साथ, वर्क कल्चर के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की, तो उसके लिए मेहनत जरूर लगती है। तो उसको पूरा जो है स्टार्टिंग में मैंने खुद जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिलेक्शन किया, उसमें अच्छे ईमानदार लोगों को लिया। उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशनल लोगों की टीम हमने खड़ी की। आज जो है रॉ मेटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन, हम कोविड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई ब्रांड काम करने वाला है तो पतंजलि है। इसका कारण ये रहा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन भी अपना क्रिएट कर लिया था। आज करीब 1,000 ट्रक्स हैं हमारे पास में अपने ओन, लॉजिस्टिक भी अपना रखा। उसके बाद हमारी जो डायरेक्ट रीच है लगभग आज 10 लाख जो है शॉप्स के ऊपर है जी। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं जी। फिर होलसेल और दूसरे के माध्यम से। अब तो हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव में भी आपको दंतकांति मिल जाएगा, पतंजलि का हनी मिल जाएगा, च्यवनप्राश मिल जाएगा, हमारा माने गाय का घी मिल जाएगा, पतंजलि के बाथ सोप्स मिल जाएंगे आपको। तो चीजों को करने के लिए आपको लगातार लगना पड़ता है, वक्त तो लगता है इसमें, अच्छे लोगों को चुनने में भी वक्त लगता है, फिर बाकी तो प्रोसेस चलता रहता ऑनगोइंग। रुचि सोया में तो FPO या QIP करेंगे जरूर, क्योंकि वो तो लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी, और आपको पता है कि लिस्ट जब पतंजलि ने लिया उससे पहले उसका शेयर का भाव हुआ करता था 3 रुपए से लेकर के 7 रुपए मैक्सिमम जी, और अब वो जो है 600 से 700 के बीच में घूमता रहता, और एक बार तो पता नहीं कहाँ 1400-1500 रुपए तक की भी तीर्थ यात्रा करके आ गया। तो चीजों को अच्छे से करना है। बहुत जल्दी ही इसी साल पतंजलि के बारे में भी कुछ बड़ी खबर मिलेगी।